और जवाब देना है। चित्र डिस्प्ले किया है, दो अलग अलग प्रकार के चित्र, आपको क्या करना है इसे देखना है और इसके नाम आपको चैट बॉक्स में लिख कर देना है कि एग्जैक्टली आप इस चित्र में क्या देख रहे हो, आप इस चित्र क्या देख रहे हो उसका नाम आपको अच्छे से रिकॉग्नाइज करने और चैट बॉक्स में उसके जवाब देने हैं। ठीक है, वेरी गुड, सभी को जवाब देना है, सभी को जवाब देना है। ओके, पहले चित्र में आपको क्या दिख रही है, नंबर्स दिख रही है, ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। पहला जो चित्र है उसमें सभी लोगों ने बताया कि टीचर यहाँ पे हमें नंबर्स दिख रहा है, सभी को नंबर्स दिखना, यस, कौन कौन से नंबर्स दिख रहे हैं, यस, एक से लेके दस तक, है ना, एक से लेके दस तक, और उन शब्दों मतलब उन संख्याओं को मिलाकर बड़ी बड़ी संख्या भी दिख रही है, राइट। तो उसके बाद आपको ध्यान देना है कि दूसरे वाले चित्र में, दूसरे उसके जस्ट बाजू में कौन से चित्र दिख रहे हैं, एक ट्रेन दिख रहा है, ठीक है, ट्रेन में कितने बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, ट्रेन में पहिया कितना है, ये दो पहिया दिख रहे हैं ना, वैसे तो बहुत सारे रहते हैं ना जिसकी वजह से बहुत सारे गाड़ियां उससे जुड़ी होती है और बढ़ती जाती है ट्रैक पर, ठीक है। तो ये बेटा आप लोग ने सही पहचाना कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उस पाठ का नाम क्या है, ऐसा ग्रामर है, ठीक है, इसे हम कहते हैं वचन, ठीक, संख्या, जो संख्या ने देखा, ठीक है, एक दो जो भी, दस पंद्रह बीस अट्ठाईस सौ तक, ठीक है, ये सारे जो नंबर्स हमने पहले पिक्चर में देखा, उसके बाद हमने देखा एक ट्रेन, ट्रेन में कितने बच्चे पहिए कितने हैं उसे हमने काउंट किया और देखा, ठीक है। तो आज हम लोग जो ग्रामर सीखने वाले हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, वचन, जिसे संख्या, किसकी संख्या भाई, किसकी संख्या, संख्या मतलब सिंगुलर और प्लूरल हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, एक वचन और बहुवचन पढ़ने वाले हैं, इन सभी को मिलाकर हम कहते हैं वचन, ये व्याकरण का नाम क्या है, वचन, वचन, वचन यानी संख्या, नंबर्स, किसकी, संज्ञा और सर्वनाम की, संज्ञा और सर्वनाम की संख्या हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्लियर एवरीवन। अब इसके बाद हम देखेंगे संख्या की परिभाषा, मतलब वचन की परिभाषा क्या है, उसके भेद क्या है और उसके उदाहरण देखेंगे हम लोग, और कुछ उदाहरण हम लोग सॉल्व भी करने वाले हैं, ठीक है। और इसके साथ ही साथ हम एक और चीज के ऊपर गौर करेंगे, हम पढ़ेंगे नियम, ठीक है, हम पढ़ेंगे नियम, कौन से नियम हम पढ़ने वाले हैं, वचन के नियम, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए कौन कौन से नियमों का हमें पालन करना चाहिए, ध्यान में रख के हमें उदाहरण को सॉल्व करना है, ये चीज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं, अब हम बढ़ेंगे परिभाषा की, और परिभाषा क्या होगा भाई, इसकी परिभाषा क्या होगी, जैसे कि टीचर ने आपको पहले ही बताया कि आज के सेशन में हम लोग वचन पढ़ने वाले हैं, पर वचन मतलब होता है सिंपल शब्दों में संख्या, लेकिन किसकी संख्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, किसकी संख्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपको संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, है ना, संख्या सर्वनाम विशेषण और क्रिया, जिस रूप से संख्या का बोध होता है, एकदम सिंपल शब्दों में हमने देखा था पहले कि वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया इनकी संख्या बताने वाले जो शब्द होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, वचन कहलाएंगे, ठीक है, वचन कहलाने वाले हैं, यानी संख्या, ये ग्रामर है, ठीक है। फिर और सिंपल शब्दों में बताया गया है कि जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक या एक से अधिक होने का बोध कराता हो, होने का पता कराता है, उससे पता चलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे भी हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं, ठीक है। जैसे विशाल के पास छह पेंसिल है, विशाल पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी उतना ही क्या है, सक्षम है, मतलब वो अच्छे से खेल भी करता है और पढ़ाई भी करता, बैलेंस लेके चलता है। तो यहाँ सभी लोगों ने जान लिया वचन क्या है, अब इसे हम पहचानेंगे कैसे, ठीक है। वचन वाक्य में पहचान किससे होती है, एक वचन और बहुवचन, एक
एक ही संख्या का चीज होगा, मतलब एक ही होगा, उसकी क्वांटिटी एक से अधिक नहीं होगी, सिर्फ वो एक ही होगा और बहुवचन एक से अधिक होगा। तो इसी चीज को ही हमको क्या करना है, वाक्य में पकड़ना है, ठीक है। लेकिन क्या चीज पकड़ेंगे, सेम यही संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं, ठीक है। एक या उसका एक रूप होगा या तो उसका बहुवचन रूप होगा, ठीक है। इसी को ही हमको क्या करना है, वाक्य में ढूंढना है और यही इसकी पहचान है। तो इसी के आधार पर हम बता सकते हैं कि दिए गए वाक्य में से कौन सा शब्द एक वचन है, कौन सा शब्द बहुवचन है। तो अब हमें ये देखना है कि एक वचन वाले कौन से शब्द है, बहुवचन वाले कौन से शब्द है, और एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन करने के लिए कौन कौन से नियम है, जो हम लोग कुछ ही क्षण में अभी यहाँ पर देखने वाले। पहचान के रूप में आपको क्या देखना है, पहचान के रूप में संज्ञा और सर्वनाम की कितनी संख्या बताई गई है, वो संख्या एक वचन में आती है या बहुवचन में आती है, ये आपको ध्यान में रखना। यदि वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम का संज्ञा और सर्वनाम की वजह से अगर आप नहीं पहचान पाते हो, तो आपको उस समय क्रिया को देखना होगा और क्रिया के आधार पे ही आपको क्या करनी है, वचन की पहचान रखनी है कि कितनी क्रिया कर रहा है वो, ठीक है। अगर राम पढ़ाई भी कर रहा है, साथ में वो खेल में भी सक्षम है, और दोनों में ही वो क्या है, एकदम एकदम परफेक्ट है, तो यहाँ पे क्रिया के आधार पर यहाँ पर वचन बताया गया है कि वह क्या कर रहा है, एक से अधिक काम में क्या है, सक्षम है। तो यहाँ पर क्रिया के आधार पर आपने क्या पहचाना है, वचन पहचाना है। दिए गए वाक्य में वचन क्या है, क्योंकि एक से अधिक बता रहा है। एक से अधिक जब आप किसी भी कार्य के बारे में करोगे, तो वहां पे आप वचन ग्रामर का प्रयोग कर रहे हो, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा बेटा। क्या देखिए, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन हमने यहाँ पर इसके भेद देखे, तो नाम से ही हमें पता चल जाएगा कि एक वचन यानी कोई भी एक संख्या का प्राणी वस्तु या व्यक्ति, मतलब प्राणी वस्तु जगह जो भी है, वो एक ही रूप में होंगे, मतलब एक ही होगी। उसकी संख्या कितनी होगी, केवल एक होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक वचन की जो परिभाषा है आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेना है। बस ध्यान में एक वचन आते ही आपके दिमाग में क्लिक हो जाना, बस एक ही होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे शब्द कैसे दिया गया है, एक वचन जो है क्या है, शब्द, ऐसे शब्द जिस रूप में एक ही प्राणी अथवा वस्तु का बोध हो, यानी उसकी पहचान हो, ऐसा पता ही चल जाए वाक्य को पढ़ते समय कि यहाँ पे सिर्फ एक ही व्यक्ति का उल्लेख किया गया है। उल्लेख यानी उसके बारे में बताया गया है ना, उसका बोध होता है और वह क्या कहलाता है, वही शब्द क्या कहलाता है, एक वचन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि पुस्तक, लड़की, चिड़िया, बस आदि, है ना। तो यहाँ पर ये जो शब्द दिए हैं, इसके अलावा टीचर ने नीचे भी शब्द दिए हैं, जिसे आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, और बाद में आपको इसे लिखना है। शब्द है, ये सब एक वचन के शब्द है, इस यहाँ पर सिर्फ एक ही प्राणी और वस्तु है, ठीक है। तो ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे, एक वचन वाले शब्द कहलाएंगे, ठीक है। क्लियर एवरीवन, ओके, ठीक है। बहुवचन वाले शब्द क्या कहलाएगा, उसका अपोजिट, एक से अधिक, है ना, एक से अधिक जिस संख्या शब्द से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक या अनेक, जैसे कि टीचर ने आपको बताया था कि हमने छोटे क्लास में एक और अनेक शब्द हमने सीखे हैं, ठीक है। वो एग्जैक्टली हमने क्या सीखे थे, वचन सीखे थे। तो यहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, प्राणी आदि के बारे में एक से अधिक होने का पता चलता है या होने का हो, तो वह शब्द क्या कहलाएगा, वह शब्द कहलाएगा बहुवचन, ठीक है। बहुवचन, वह शब्द बहुवचन वाला शब्द कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे टीचर ने बहुवचन के उदाहरण दिए हैं, जैसे लड़के, क्योंकि एक वचन तो लड़का होता है, लड़के यहाँ पर एक से अधिक है, गाय एक से अधिक है, कपड़े एक से अधिक है, टोपियां, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, वधुएं, गुरुजन, है ना, गुरुजन,
रोटियां, पेंसिल, स्त्रियां, बेटे, बेटियां, केले, गमले, चूहे, तोते, घोड़े, घरों, पर्वतों, नदियों, हम, वे, ये, लताएं, लड़कियां, गाड़ियां, बकरियां, रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आप लोगों ने कुछ ऐसे शब्द देखे होंगे जो एकवचन में भी था और बहुवचन में था, यानी वो एकवचन और बहुवचन दोनों में समान रूप से आते हैं। तो अब हमें क्या पढ़ना है, नियम पढ़ना है। तो ऐसे कौन से सिचुएशन में एकवचन से बहुवचन बनाने के लिए वो शब्द में हमें कौन सा प्रत्यय लगाना होता है जिसकी वजह से एकवचन वाला शब्द अनेकवचन के रूप में बदल जाता है। तो इसके पहले बेटा आप लोगों को इसका क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। ओके, ध्यान देना है एकवचन से बहुवचन बनाने के नियम। ठीक है, अब क्या नियम है, यहाँ पे टीचर ने एक नियम दिया है, जब अकारांत मतलब ऐसा शब्द जिसका एंडिंग साउंड आ हो, जैसे कि जूता, जब आप जूता शब्द बोलते हो तो ता में आ लिखा हुआ है, ठीक है, आ की मात्रा जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर जूता जो है वह पुलिंग है। तो यहाँ पर बेटा आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि पुलिंग वाले जो शब्द होते हैं जिसका एंडिंग साउंड आ होता है उसे अगर हमें बहुवचन रूप में कन्वर्ट करना है, बदलना है, तो हमें आ साउंड की जगह पर हमें क्या करना है, ए लिखना है। ए की मात्रा क्या होती है, इस तरह से, ठीक है, तब वह शब्द क्या हो जाता है, बहुवचन में बदल जाता है, यानी आकारांत पुलिंग वाला जो शब्द है वह वहां पर आ साउंड को हमें क्या कर देना है, ए में बदल देना है, तो दिया गया जो शब्द है एकवचन का वह बहुवचन रूप में बदल जाता है। ठीक है, समझ में आया सभी को, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह की टीचर बात कर रही है। यहाँ पे टीचर ने कहा आ, यहाँ पे एक शब्द आप पढ़ो जैसे जूता, तारा, लड़का, बेटा, मुर्गा, कपड़ा, तो यहाँ पर जो टीचर ने शब्द पढ़ा वह शब्द का एंडिंग साउंड लास्ट वाला, जिसमें शब्द का उच्चारण खत्म होता है, वो लास्ट वाला, वो अंत वाला जो साउंड है वो क्या है, आ है, क्या है, आ है, और उसी आ साउंड को, मतलब देखो व्यंजन को आप हाथ नहीं लगाओगे, आपको क्या करना है, वो साउंड को ही चेंज कर देना है, यानी ए साउंड लिखना है। ठीक है, एक ही मात्रा लग गई, जैसे जूता में एक ही मात्रा लग गई तो क्या हो गया, उसका ध्वनि चेंज हो गया, बन गया जूते, तारा का तारे, लड़का का लड़के, बेटा का बेटे, मुर्गा का मुर्गे, कपड़ा का कपड़े, कौआ का कौवे, केला का केले, है ना, पेड़ा का पेड़े, मिठाई खाने वाला, ओके, कुत्ता का कुत्ते, कमरा का कमरे। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जैक्टली हमने जितना भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, वहां पे हमने देखा कि एकवचन रूप में उसका जो अंतिम साउंड था वो आ था, और उसी आ साउंड को हमने क्या किया, ए साउंड में बदल दिया, तो एकवचन को हमने क्या किया, बहुवचन में बदल दिया। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, यहाँ तक सब प्रयोग ध्यान देना है। अब कैसे होगा, अ की जगह पे ए का प्रयोग ध्यान देना है, शब्द वो स्त्रीलिंग वाले शब्द जिसका एंडिंग साउंड अ हो, ठीक है, जिसका एंडिंग साउंड अ हो, जैसे कि क म में कोई मात्रा नहीं, लेकिन म में क्या जुड़ा हुआ है, अ साउंड जुड़ा हुआ है, आप जब उच्चारण के म अ म लास्ट में अ साउंड सुनाई दे रहा है, तो यहाँ पर बात, रात, पाक, पुस्तक, किताब, गाय, बहन, झील, सड़क, दवात, तो यहाँ पर जो लास्ट वाला जो है, जहाँ पे कोई भी मात्रा नहीं दिख रही है, वहां पे अ अ मात्रा है, अ साउंड है, तो ए अ की जगह पर हमें क्या करना है, अ की जगह पे हमें ए करना है, ए यानी यहाँ पर ए के साथ, ए की मात्रा के साथ डॉट दिया है, ठीक है, तो वहां पर ए हो गया। ठीक है, पहला जो वर्ड है
जिसे टीचर ने अभी रीड किया। पहला जो शब्द है क ल म, म का अंत अंतिम किताब, किताबें, गाय, गायें, बहन, बहने, झील, झीले, सड़क, सड़के, दवात, दवाते। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हमने दूसरा जो नियम है, दूसरा जो नियम है उसे देखा है, जहां पर टीचर ने आपको यह बताया है कि जो स्त्रीलिंग शब्द का अंतिम संघ होता है, ऐसे जो शब्द होते हैं, ऐसे जो शब्द होते हैं जहां पर अ की जगह पर, अ की जगह पर हम लोग ए शब्द का मतलब ए ध्वनि का प्रयोग करते हैं। ए मात्रा लगा देने से, मात्र के लगा देने से जो ए वचन रूप है वचन रूप में बदल जाता है, बहुवचन रूप में बदल जाता है। तो चलो बेटा अभी को यहाँ पे ये नोट डाउन, दूसरा नियम, दूसरा नियम आपको नोट डाउन करना है, लिखना है बेटा। जब अकारांत के स्त्रीलिंग शब्द में अ की जगह पर ए लगा दिया जाता, तो एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं हम लोग, जिनसे बहुवचन बदल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कलम, यह एक शब्द है कलम, जहाँ बहुवचन इसलिए हम लोग बहुवचन बेटा। सर जो प्रश्न पूछेंगे उनका जवाब आपको चैट बॉक्स में देना है। ओके सर, कुछ शब्द बताने वाले बेटा आपको, सर कुछ शब्द बताएंगे, वो एकवचन है या बहुवचन है ये आपको मुझे बताना है चैट बॉक्स में। ओके यस सर, मैं आगे कुछ।